कि जहां संत एक साथ बैठ जाएं तो वो केवल सम्मेलन ही नहीं होता है, वो तो महाकुंभ का स्वरूप हो जाता है। एक अभिनव कुंभ हमारे यहां, अभिनव कुंभ का स्वरूप। सनातन संस्कृति की मान्यता है कि जहां त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का है वहां महाकुंभ होता है। हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर महाकुंभ होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पावन तट पर महाकुंभ होता है। नासिक में गोदावरी के पावन तट पर महाकुंभ होता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये भारत भाव की भूमि है, है कि नहीं? भारत भाव की भूमि है। भाव की भूमि पर केवल महाकुंभ ही नहीं, भाव की भूमि पर हम यत्र तत्र सर्वत्र भगवान को भी प्रकट कर सकते हैं। ये हमारी भूमि की ताकत है। बोलो, है कि नहीं? भगवान जहां प्रकट हो जाए वहां कुंभ तो हो ही जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं? यज्ञ भगवान इस भूमि पर प्रकट हो गए। बोलो, हो गए हैं कि नहीं? ये जो दिव्य यज्ञ विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में हो रहा है, ये रुद्र महायज्ञ समर्थ का प्रतीक है। गत दिवस महाशिवरात्रि का पावन पर्व, ये महाशिवरात्रि ही महत्वपूर्ण है हमारी सनातन संस्कृति में। संतों का कहना है और शास्त्रों का भी मत है कि ज्योतिर्स्वरूप शिवलिंग का प्रादुर्भाव भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ही हुआ। कुछ संतों का भक्तों का ऐसा मानना है कि भगवान शशांक शेखर भूत भावन का परिणय बंधन भी इसी मुहूर्त में हुआ, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि भगवान का जन्म, भगवान शिव का जन्म और भगवान का विवाह भी कल्प भेद में है ना, कल्प भेद में विवाह भी इस मुहूर्त में हुआ, इस तिथि में हुआ। लेकिन आज इस दिव्य विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में जो यज्ञ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है, इस रुद्र महायज्ञ में महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत को ही नहीं पूरे विश्व को उपलब्धि क्या होने जा रही है, इस पर हमें चिंतन करना है। कोई भी आध्यात्मिक आयोजन हो, चाहे अनुष्ठान हो, उससे हमें मिलता क्या है, उपलब्धि क्या होती है? तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस दिव्य रुद्र महायज्ञ से केवल हम लोग मंच से इस बात को कहा करते थे कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन निश्चित रूप से हमें इस बार कहना पड़ेगा विश्व का कल्याण होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि भगवान शंकर समन्वय के देवता है। आज समन्वय की कमी है, अभाव है, और भारत समन्वय का संदेश दे रहा है, पूरे विश्व को संदेश दे रहा है, लेकिन यज्ञ के माध्यम से, और वो भी इस उड़ीसा राज्य की पावन भूमि बरगढ़, जहां पर ये दिव्य रुद्र महायज्ञ हो रहा है। इस रुद्र महायज्ञ से
हमारे राष्ट्र की तरफ से, भारत की तरफ से पूरे विश्व को एक समन्वय का संदेश मिलने जा रहा है। क्योंकि शिवजी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल परिस्थितियों को प्रकट कर देते हैं। ये सामर्थ्य किसमें है? भगवान शिव में, भगवान शंकर में। आज लोग अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं को पैदा कर रहे हैं। जहां अनुकूलताएं बनी हुई हैं, वहां लोग प्रतिकूलताओं की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं, कर ही देते हैं। लेकिन मैं इस बात को दावेदारी से कह रहा हूं कि भगवान शंकर की कृपा यदि हमारे ऊपर रहेगी तो चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना पैदा हो जाएं, लेकिन भगवान शिव की कृपा से सदा अनुकूल ही अनुकूल बनी रहेंगी। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें चिंतन करना है। ये यज्ञ भगवान शंकर का प्रसाद है पूरे विश्व के लिए। क्या है? भगवान शिव का प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता। इससे पूरे विश्व को प्रसन्नता मिलेगी, प्रसन्नता का संचार हो रहा है यज्ञ के माध्यम से, पूरे विश्व को प्रसन्नता मिल रही है। ये भगवान शिव का प्रसाद। अच्छा, तो शिव जी के इस दिव्य महायज्ञ में राम कथा क्यों जोड़ी गई? क्योंकि राम कथा भी भगवान शिव का ही प्रसाद है। बोलो, है कि नहीं? राम कथा क्या है? भगवान शिव का प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमत हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, ये यज्ञ भी शंभु प्रसाद है और राम कथा भी शंभु प्रसाद है, और ये संत जितने बैठे हैं सब शंभु प्रसाद ही हैं। भगवान शिव के प्रसाद रूप हैं। बोलो, है कि नहीं? ये भगवान शिव का प्रसाद है। और सुन लीजिए, सुमत ही उलसी, सुमति सब में आ गए, सुमति की आवश्यकता है। आज कुमति ही कुमति देखने को मिल रही है। कुमति का एक साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है, लेकिन कुमति के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए और उस दिव्य भारतीय भूखंड में सुमति का राज स्थापित करने के लिए ही ये दिव्य रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। इस रुद्र महायज्ञ की ये विशेषता है। आप कहोगे, महाराज जी थोड़ा सा इसका विस्तार अगर हो जाए तो हमारी समझ में ठीक से आ जाए कि सुमति कहां देखने को मिल रही है राम कथा में और भगवान शिव के परिवार में। सुमति ही सुमति, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता है। सबसे बड़ी समस्या उस समय आई भगवान शिव के जीवन में जब शिवजी के मस्तक पर गंगा जी बैठ गई। क्यों भाई गंगा जी बैठ गई? अब गंगा जी सिर के ऊपर अपरमित जल और बहुत ही शीतल जल। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अपने मस्तक को भी तो शीतल बनाना चाहते हैं, तो ये समस्या कहाँ है? हमारा मस्तक अगर शीतल रहे तो ये तो समाधान है, ये समस्या नहीं है। लेकिन प्यारे, हमारे मस्तक पर शीतलता हो ये तो ठीक है, लेकिन शिवजी के यहां केवल शीतलता ही नहीं मस्तक पर। थोड़ा सा आप विचार करें तो सिर पर गंगा है और मस्तक पर तीसरा नेत्र है जिसमें अग्नि है। अब बताइए, जल ऊपर हो वो अग्नि नीचे हो, बोलो अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जल ऊपर है अग्नि नीचे है,
जल के कारण अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अग्नि अगर ऊपर होती और जल नीचे होता, दोनों ही सुरक्षित, लेकिन अग्नि नीचे है और जल ऊपर है, अस्तित्व खतरे में है अग्नि का। एक प्रतिकूलता। दूसरी समस्या क्या है? भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, चंद्रमा में अमृत है, लेकिन कंठ में विष है। अब बताइए, जहां पर अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। जहां जल होगा वहां अग्नि का अस्तित्व नहीं रहेगा, जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व नहीं रहेगा। तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या यह है कि भगवान शंकर का पर्सनल जो वाहन है वो है नंदी, है कि नहीं? नंदी। लेकिन भवानी जी का वाहन है सिंह। जहां पर सिंह होगा वहां नंदी का अस्तित्व क्या सुरक्षित रह सकता है? बोलो। लेकिन सिंह अपनी जगह बैठा है और नंदी अपनी जगह। प्रतिकूलता में बोलो अनुकूलता दिखाई दे रही है कि नहीं? चौथी समस्या क्या है? चौथी समस्या यह है कि भगवान शंकर के प्रिय पुत्र श्री गणाध्यक्ष भगवान गणेश जी, उनका प्रिय वाहन है चूहा और भगवान शंकर का प्रिय श्रृंगार सर्प है। बोलो, श्रृंगार किससे करते हैं भगवान शंकर? सर्प से। जहां सर्प होगा वहां चूहे का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है, लेकिन चूहा भी मस्ती में बैठा है और सर्प भी आनंद ले रहा है। ये चार समस्याएं दिखाई दे रही हैं, बड़ी समस्याएं हैं। भारत में भी चार समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बोलो भाई, आज जगह जगह उथल पुथल मची हुई है भारत में, जबकि बहुत ही अच्छा समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत पूरे विश्व में आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। समस्याएं बड़ी से बड़ी जो भारत में थी, सनई सनई उनका समाधान होता जा रहा है। और भारत में सबसे बड़ी सनातन संस्कृति की समस्या राम जन्मभूमि थी, लेकिन आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हुआ। प्यारे, फिर भी समन्वय नहीं बन पा रहा है। हिंदू अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है तो मुसलमान अपने अस्तित्व की लड़ाई में पता नहीं कितने प्रकार के व्यवधान कर रहा है अनावश्यक रूप से। और भी अन्य स्थितियां परिस्थितियां, ईसाई भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संतुलन बिगाड़ रहा है, मुसलमान भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संतुलन बिगाड़ रहा है, सिख भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संतुलन बिगाड़ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन चारों का संतुलन अगर बन सकता है तो आज की राम कथा सुन लेना, मैं स्पष्टीकरण दूंगा और यथार्थ बोध हो जाएगा आप सबको। आप सब संतुष्ट होंगे कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं इस रुद्र महायज्ञ में। मैं रुद्र भगवान की कृपा से आज समाधान देने की कोशिश करूंगा कि सबसे बड़ी चार समस्याएं भगवान शंकर के यहां हैं, गंगा, अग्नि तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि है, अमृत चंद्रमा में, विष कंठ में, नंदी, सिंह, चूहा और सर्प। ये बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन देखिए, आप विचार करिए, जहां गंगा में जल, तीसरे नेत्र में अग्नि, चंद्रमा में अमृत
कंठ में विष, चूहा, सर्प, सिंह और बैल नंदी एक साथ भगवान शिव के पास है और प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही होंगी लोगों को, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भगवान शंकर जल गंगा में, जल अग्नि विष अमृत बैल सिंह चूहा सर्प इन सबको एक साथ रख सकते हैं, उन्हीं शंभु के प्रसाद से समुद्भूत श्री रामचरितमानस में ये ताकत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चारों को एकता के सूत्र में बांध के अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। ये रामचरितमानस ग्रंथ में ताकत है। इसलिए आज भगवान शिव एवं शिव के अंतस में अंतःकरण में प्रकट राम कथा और आज उसी राम कथा का प्रस्फुटन हो रहा है इस मंच से और आप सब भूविभावक जन श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इसलिए लिखना पड़ा कै शंभु प्रसाद सुमत ही रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। महाशिवरात्रि का पावन अवसर भगवान नारायण ने इस सुंदर स्वर्णिम अवसर को लाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। मम बिनती अब सुनहु शिव जो मो पर निज ने तो जाहि विवाह सैलजह यह मोह मागे देव। मम बिनती अब सुनहु शिव। बोलो महाशिवरात्रि का पावन अवसर भारत के भूविभावुक जनों को मिले और ये महामहोत्सव मनाने का सौभाग्य संपूर्ण विश्व के लोगों को मिले, इसके लिए भगवान नारायण ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है। मम विनती अब सुनहु शिव जो मो पर निज ने तो जाहि विवाहों सैल जह। इसका मतलब है कि शंकर जी विवाह नहीं चाहते थे पार्वती जी से। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि सती जी के साथ विवाह हुआ और सती जी ने ऐसी विडंबनास्पद स्थिति पैदा कर दी कि भगवान शिव को मौन होना पड़ा और समाधिस्थ अवस्था में जाना पड़ा। जब व्यक्ति के परिवार में समस्या आती है तो ईमानदारी से बताओ उस समय मौन रहना ही उचित है कि नहीं? कि बोलना उचित है? उस समय मौन रहना उचित है। दूसरी बात, आंख बंद कर लेना उचित है? आंख बंद कर लेना उचित है। और सत्य कहता हूं, अगर ऐसी घटना घट जाए जैसी सती जी ने यज्ञ में जाकर के घटना को अंजाम दिया, अगर ऐसी कंडीशन किसी के सामने आ जाए तो उस समय प्यारे मौन हो जाना चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन की तपस्या मानी जाएगी, इसी से तुम्हें सफलता भी मिलेगी। क्योंकि समस्याएं जब बढ़ती हैं उस समय मुखर हो जाना समस्याओं को बढ़ाना मौन होने में ही सार है। भगवान शिव मौन हो गए, आंख बंद कर ली, तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या दिव्य कि सती जी जब पार्वती जी के रूप में जन्म ली तो उन्होंने भगवान शिव का ही स्मरण किया, मृत्यु के समय भी भगवान शिव का स्मरण किया। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जिस समय तपस्या कर रही हैं पार्वती जी तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि मेरे निवेदन को स्वीकार करें आप।
पार्वती जी ने कहा कि आपको निवेदन नहीं करना चाहिए, आपको आदेश देना चाहिए, क्योंकि मैंने गुरु के रूप में आपको स्वीकार किया है। आपको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, आपको तो आदेश देना चाहिए, निवेदन नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान नारायण शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं? दोहे के अंतिम चरण में विद्वान लोग कहते हैं कि आदेश भी किया है, लेकिन मैं कहता हूं प्रथम चरण पर विचार तो करो, अंतिम चरण की व्याख्या क्यों कर रहे हो? पहले प्रथम चरण पर विचार करो। मम विनती अब सुनो शिव, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो प्रार्थना की, जबकि भगवान शिव आदर करते हैं, भगवान नारायण का सम्मान करते हैं, लेकिन आज प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप, हां बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आदेश दो। आदेश मेरा यही है कि आप भगवान शिव के साथ विवाह कर। पार्वती जी ने कहा कि गुरुदेव जो मैं चाहती थी वही आपने आदेश दिया। पार्वती जी चाहती क्या है? जन्म जन्म शिवपद अनुरागा के साथ साथ जन्म कोटि लग रगर हमारी और बरों संभुनत रहो कुमारी। हमारी प्रीति भगवान शिव के चरणार बिंदों में है। मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर के साथ करूंगी और नहीं तो जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। लेकिन समस्या एक है, क्या नारद जी भले ही चाह रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वो लक्षण भगवान शंकर में ही मिलते हैं। जितने भी लक्षण बताए थे वो सारे के सारे लक्षण किसमें पाए जाते हैं? भगवान शंकर में। पार्वती जी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है और मैंने तपस्या भी की है तो भगवान शिव का वरण करने के लिए, लेकिन शिव जी तैयार नहीं है कि मेरा विवाह हो। भगवान शंकर तैयार नहीं है कि मेरा विवाह हो। नारायण ने स्वयं जाकर के प्रार्थना की, अरे भगवान शंकर तैयार क्यों नहीं है? पार्वती जी क्या साधारण तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी साधारण नहीं है, जगतोधारिणी है, मोक्षदायिनी है, भुवनेश्वरी है, आदिशक्ति है, पराम्बा है, इतने विशेषण हैं भगवती पार्वती। ऐसी महामंडिता पार्वती जी को क्या है ये? हेलोजन को बंद कर दो, केवल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग घबराना नहीं, केवल वो वाला हेलोजन, ऊपर वाला मात्र, एक हेलोजन करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? कोई भी समस्या आएगी बड़ी से बड़ी, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उसका समाधान होगा। ऐसा मत सोचना कि समस्या ये कैसे आ गई, ये समस्या क्या है, इस कनेक्शन को काट दो बेटा, इसको अलग हटा दो। केवल केवल एक ऊपर वाला जो हैलोजन है उसको अलग करो, थोड़ा सा जल्दी करिए, उसमें शीघ्रता करिए। ये कौन है, इसका इलेक्ट्रिशियन है कोई, उसको बुलाइए ना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। ठीक है ठीक है, तुम लोग ध्यानस्थ मुद्रा में सुनना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, यहां तक कंडीशन आई कि उन्होंने जा रहे हो काम महेश काम को जला दिया। अच्छा दो बार कीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो दो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हम श्री राम जय राम जय जय राम हम श्री राम जय राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय। शांति। बहुत बढ़िया समाधान देखो हो गया कि नहीं हो जाता है। भगवान शंकर राम 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 कहते हुए मौन खोल दिए। राम राम कहना आप सबके लिए आवश्यक है। नारायण ने जब कहा कि मेरी प्रार्थना है कि आप विवाह करें पार्वती जी के साथ, जाय विवाह सैल जय यह मोहि मांगे देव। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तो काम को जला दिया है। जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो विवाह की क्या आवश्यकता। विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन शिवजी ने तो काम को जला दिया है, विवाह का कोई औचित्य नहीं। पार्वती जी से कहा गया कि जब शिवजी ने काम को जला दिया है तो विवाह संभव ही नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूं कि काम को जलाने के बाद संबंध किससे जोड़ा उन्होंने, तो कहा काम को जलाने के बाद भगवान शंकर ने राम से संबंध जोड़ा। राम 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 कहते हैं। पार्वती जी ने कहा बस यही मैं चाहती थी कि जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो और राम से सदा सदा के लिए संबंध जोड़ लिया हो, पार्वती संकल्प लेती है कि उसी का वरण करेगी जिसका संबंध राम से हो गया। प्यारे भगवान शिव का संबंध राम से है। काम सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। गणेश जी का जन्म कार्तिकेय जी का जन्म ये दैहिक संबंध नहीं है। क्यों भाई? ये नहीं कहा जा सकता है, ये कहना ही अनुचित होगा। आज प्रार्थना स्वीकार की। भगवान शिव जैसे ही पहुंचे हिमांचल जी के यहां, मूल बात कह रहा हूं, जैसे ही पहुंचे तो भगवान शंकर से प्रार्थना की भगवान नारायण ने कि आप का द्वारचार होना है, दरवाजे पर सम्मान होना है हिमांचल जी के, आप कृपा करके पधारे। कहे ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूं। वैसे सम्मान अम्मान लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चल रहा हूं। और जैसे नंदी पर बैठे तो आप कल्पना करना भगवान शंकर ने अपना मुख नंदी की पूंछ की तरफ कर लिया और अपनी पीठ नंदी के मुख की तरफ कर ली और चल दिए। भगवान विष्णु ने कहा रुको 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 एक मिनट बाबा, आज महाशिवरात्रि है और आपका सम्मान होना है हिमांचल जी के भवन पर दरवाजे पर, आप उल्टे क्यों बैठे? आपको सीधा बैठना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा नारायण ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी दुनिया को संदेश दे रहा हूं। क्या संदेश? कि ससुराल के द्वार पर जब भी जाओ तब इस विचार को लेके जाओ। भगवान विष्णु बोले ऐसा विचार लेके जाओ कि उल्टा बैठ के जाओ, ऐसा विचार। ये विचार समझ में नहीं आ रहा है। कहा दुनिया वालों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं उल्टा बैठा हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि आज मैं हिमांचल जी के द्वार पर जा रहा हूं। यहां मेरी ससुराल घोषित हो रही है। सारी दुनिया समझ रही है कि भगवान शिव ससुराल में पहुंचे हैं, लेकिन आज नंदी का मुख किधर है पहले इस पर विचार करो। दुनिया के लोगों पहले नंदी का मुख कहां है इस पर विचार करो। तो नंदी का मुख तुलसीदास जी के मत से है हिमांचल जी के द्वार की ओर, अर्थात भगवान शंकर की ससुराल की ओर।
कहा नंदी की पूंछ कहां है? तो तुलसीदास जी ने कहा नंदी की पूंछ है कैलाश की ओर, और नंदी का मुख कहां है? बोले हिमांचल जी के द्वार की ओर, यानी ससुराल की ओर नंदी का मुख है और नंदी की पूंछ है कैलाश की ओर, घर द्वार की ओर। भगवान शंकर ने कहा कि मैं बैठा कहां हूं? नंदी पर, लेकिन पूंछ की तरफ जरूर बैठा हूं, लेकिन पूंछ को नहीं देख रहा। मेरी पीठ भले ही मुख की ओर है नंदी के, पूंछ की ओर मेरा मुख है, लेकिन मैं नंदी की पूंछ नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कैलाश को और जा रहा हूं ससुराल को। देख रहा हूं कैलाश को और जा रहा हूं ससुराल को, क्योंकि नंदी जा रहा है ससुराल की ओर और मैं देख रहा हूं कैलाश की ओर। क्यों? इसलिए कि दुनिया के लोग ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं देख रहा हूं अपने घर द्वार को और जा रहा हूं ससुराल। बोलो, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह उत्कृष्ट संदेश आप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? YouTube चैनल के माध्यम से सारी दुनिया हमारे इस संदेश को सुन रही है। केवल बरगढ़ के निवासी ही नहीं, केवल उड़ीसा के निवासी ही नहीं, सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। और ये सारा श्रेय जा रहा है स्वामी सत्प्रज्ञानंद सरस्वती जी को कि इतना विशाल आयोजन वरगढ़ उड़ीसा में किया है। जहां जहां भी स्वामी जी के कार्यक्रम होते हैं वहां विशालता ही विशालता रहती है, और केवल आयोजन में ही विशालता नहीं रहती है, इनके हृदय की उदारता में भी विशालता रहती है। ये विशेषता स्वामी सत्प्रज्ञानंद सरस्वती जी की है। जैसे ही भगवान शिव पहुंचते हैं हिमांचल जी के द्वार पर, भगवान नारायण ने कहा कि इतना तो जरूर कर लेना कि द्वार पर जैसे ही पहुंचो तो आप सीधे बैठ जाना। समीप में जब पहुंचो द्वार पर तो बैठ ही जाना, भले ही दुनिया वालों ने देख लिया, सब आपने संदेश दे दिया। का देखता हूं वहां की कंडीशन क्या है, कंडीशन पर विचार करूंगा, आपने कहा है तो आपकी आज्ञा को मैं श्रोधार करता हूं, लेकिन मुझे पहुंचने तो दीजिए, वहां की कंडीशन क्या है। जैसे ही भगवान शिव पहुंचे, ये तो हेलोजन वेलोजन दुनिया का ये आविष्कार अभी का है। ईमानदारी से बताओ, त्रेता में जब महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव विवाह संपन्न हुआ होगा, उस समय ये हेलोजन थे नहीं थे? आपने भी कहा नहीं थे हेलोजन, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इस हेलोजन में 60 दिखाई दिया। अभी 60 सर्टिफिकेट हुआ कि नहीं हुआ? अभी अभी बंद करना पड़ा, लेकिन भगवान शिव के पास ऐसा हेलोजन है त्रेता में जिसमें 60 सर्किट होता ही नहीं कभी। आप कहो महाराज कौन सा हेलोजन है? भगवान शंकर के मस्तक पर मणिहारा सांप बैठा हुआ है, उसमें दिव्य मणि है। ईमानदारी से बताओ, मूसलाधार वर्षा भी होने लगे तो मणि के प्रकाश में मंदता नहीं आ सकती है, मणि के प्रकाश के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है। चाहे जैसा तूफान आवे, चाहे जितनी घनघोर वर्षा हो, लेकिन मणि के प्रकाश को क्या घनघोर वर्षा प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या तूफान प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा हेलोजन लगा हुआ है सर्प में जो मणि है। और प्यारे मैं आपको क्या बताऊं, दीप की व्यवस्था पुराने जमाने में, दक्षिण भारत में अभी जितने मंदिर हैं वहां लाइट वाइट नहीं लगाई जाती है, वहां कृत्रिम प्रकाश मंदिरों के अंदर गर्भगृह में नहीं होता है। अभी रामेश्वर धाम में मेरी कथा हुई थी, मैं 9 दिन रुका हुआ, वहां पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। अनादिकालीन जो व्यवस्था प्रकाश की दी गई है दीप के माध्यम से, वो दीप ही प्रज्वलित होते हैं, वो दीप ही प्रज्वलित होते हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान शिव जब पहुंचे होंगे हिमांचल जी के द्वार पर, तो उस समय असंख्य दीप प्रकाश के लिए तैयार किए गए होंगे।
क्यों किए गए होंगे कि नहीं, संख्या असंख्य दी। महिलाएं कलश लिए होंगी और कलश में दीप प्रज्वलित होगा, प्रकाश ही प्रकाश वहां दिखाई दे रहा होगा। लेकिन प्यारे, जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर और मणिहारे सांप ने जैसे ही अपना फन उठाया तो संपूर्ण महिलाएं सारी कलश कलश फेंक की भागी। ये कंडीशन है। अच्छा बोलो, सर्प के सामने कौन रहेगा, कौन टिकेगा? बड़े बड़े कलश सब इधर उधर पड़े हैं, लेकिन प्रकाश अपनी जगह है। बोलो। अच्छा, मणि के प्रकाश के आगे दीपक का प्रकाश कितना महत्व रखेगा, सोचो जरा। मणि के प्रकाश के आगे दीपक का प्रकाश कितना महत्व रखेगा? वो मणिहारा सांप जिस समय चारों तरफ घूमा तो प्रकाश ही प्रकाश आ गया, लेकिन उस प्रकाश में जैसे भगवान शंकर का श्रृंगार देखा तो सांप ही सांप भागे। श्रृंगार में सांप ही सांप दिखाई दिए और कुछ दिखाई नहीं दिया। एक सांप हो तो व्यक्ति कंट्रोल करे और सांप ही सांप हो जाए, बताइए कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं हो सकता है। भागे सब, कलश नीचे गिर गए, दीप बुझ गए। मैना जी सुंदर थाली में दिव्य चंदन, दिव्य सुंदर माला, गंगा जल कलश में, दीपक भी आरती के लिए, वो सब कुछ था। लेकिन आज मैना जी का भी संतुलन बिगड़ गया और वो भी थाली फेंक करके भाग गई। नारद जी ने कहा भगवान नारायण से कि स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि वहां तो सब भाग गए शंकर जी को देख के, अब तो वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अपमान ही अपमान, महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव जी का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन अपमान ही अपमान नजर आ रहा है। आप जाकर के संभालिए और नियंत्रण कीजिए। भगवान विष्णु पहुंचे और कहा भोले बाबा, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा संभल के जाइए, अपने गणों को भी संभालिए, लेकिन आपने विचार नहीं किया और मणिहारे सांप ने ऐसा संतुलन बिगाड़ा कि सब कलश फेंक करके महिलाएं भाग गईं। अपमान ही अपमान नजर आ रहा है, यहां तक संतुलन बिगड़ा कि आपकी सास भी थाली फेंक करके चल गई। भगवान शंकर ने कहा नारायण ऐसा नहीं है, ससुराल में जितना मेरा सम्मान हुआ है उतना संसार में ससुराल में किसी दामाद का सम्मान नहीं हुआ होगा।